भागलपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। दरअसल भागलपुर रेलवे यार्ड से लोडर पर लोड कर ट्रेन की बोगी को स्टेशन परिसर लाया जा रहा था। इसी दौरान लोहिया पुल पर लोडर का ब्रेक फेल हो गया और उसके बाद गाड़ी लोहिया पुल को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। इस दौरान ट्रेन का बोगी लोहिया पुल पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि लोडर के चालक ने सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचाई। आपको बता दें, लोहिया पुल के ठीक बगल में भागलपुर रेलवे स्टेशन है और हमेशा लोगों की भारी आवाजाही इसी रास्ते से होती रहती है। मौके पर दस्यू ने जो बताया आपको सुनाते हैं। क्या क्या देखिए बताइए आप। जो है आपको लाजीपुर से अभी गाड़ी आया, आगे पीछे इसका किरण था। अच्छा, तो आगे किरण वाला भी फ्री था और पीछे वाला किरण भी फ्री था। उसके बाद ये गाड़ी जो इंजन में लोड था ये जा रहा था, तो आगे पीछे किरण था। उसके बाद क्या हुआ, इसको तो पीछे वाले को बांधना था, चाहिए था गाड़ी में, लेकिन ये बांधा नहीं, अनबैलेंस हो गया। यही से उसका हैंडल करे, मतलब डगमग डगमग करते हुए जा रहा था। आगे जैते जैते वो इधर घुसा दिया, पूरा गाड़ी घुसा दिया। उसका क्या ब्रेक फेल हो गया था क्या? इंजन, हाँ, इसका ब्रेक फेल हो गया, इंजन टूट के फिगा गया मेरे आंख के सामने। हम बैठे हुए हैं। कितना आदमी था उधर? हाँ, उधर आदमी नहीं था, खाली था। अगर स्टेशन तरफ चला तो? हाँ, उधर चला जाता तो आदमी बहुत घायल हो जाता, लेकिन उधर नहीं गया, गाड़ी इधर घुस गया, ड्राइवर मोड़ दिया उस तरफ। हाँ हाँ हाँ। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन ऊपर वाले के कृपा से बहुत बड़ी घटना टल गई है। और जैसे ये घटना घटी है, ये जो लोडर पर इतनी बड़ी ट्रेन की बोगी को लेकर आ रहे थे और ये छोटे लोडर पर बड़ी बोगी को लोड कर देने का क्या मानक है, उस विषय पर तो जांच होगी। लेकिन अभी राहत कार्य के लिए प्रशासन आ गई है, रेलवे से बात हो गई है, जल्द से जल्द राहत कार्य होगा, क्योंकि सड़क बाधित है और मुख्य सड़क है। और ये जो घटना घटी है, इसमें ड्राइवर की जो सूझबूझ है, उस ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी घटना होते होते बच गई है। ड्राइवर को घुटने में चोट आई है, लेकिन इतनी बड़ी घटना बची है भागलपुर के लिए। एक साल का अंतिम दिन है, इस नाते मुझे लगता है ऊपर वाले की कृपा थी, जो हताहत नहीं हुआ। यहाँ जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में फुटकर दुकानदारों की लाइन लगी रहती है। वो तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि जब मैं आया तो एक भी फुटकर दुकानदार आज दुकान नहीं लगाए। रविवार का दिन था, हो सकता है लेट से वो लोग आज आने वाले होंगे। ऊपर घटना भी संदेह भूला, जमालपुर हबड़ा की भी घटना हुई थी, उस पर तो ट्रेन पर पुल गिर गया था, आज ट्रेन के डब्बा पुल पर है। लेकिन खुशी की ये बात है कि हताहत कुछ नहीं हुआ, जान माल की हानि नहीं हुई है। थोड़ा सा जो हमारा ये लोहिया पुल है, ये क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है और राहत कार्य जल्द से जल्द हो, ऐसी कामना कर। बड़ी घटना हो सकती थी, बड़ी घटना टली है, लेकिन ये जांच का भी विषय है कि यह छोटे लोडर पर इतनी बड़ी ट्रेन के डब्बे को रख कर लाया गया और उसका मानक क्या है, उस मानक के आधार पर क्यों नहीं लाया गया, इस पर भी जाँच होनी चाहिए। सब आपके सामने है, सुबह सुबह की घटना देख रहे हैं कि जो जैसे है उसी स्थिति में सिविल ड्रेस में भागे भागे जो जांच सुना, जैसे थाना अध्यक्ष हैं हम, हैं मॉर्निंग वॉक में थे, मालूम हुआ कि उल्टा पुल पे गाड़ी ट्रॉली में आपका रेल का बॉगी फंसा हुआ है और पूरा रोड डिस्टर्ब है। तो वीडियो भेजा, तुरंत भागे भागे हम लोग संडिस का पॉइंट से आए तो सामने पड़ा हुआ है। सभी रेलवे के पदाधिकारी से बात हुई है, वो लोग क्रेन मंगा रहे हैं, क्रेन मंगा के अगर बॉगी ऊपर उससे उस पार कर देते हैं तो पहले ही यातायात चालू करा देंगे। माह का नहीं, ईयर का लास्ट डे है और आज के डेट में थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहेगा, लोग आने वाले जाने वाले, कोई पिकनिक मनाने वाले। छोटे छोटे घटना हो सकता है सर, अब इसका कोई माप तो है नहीं, लेकिन घटना बड़ी हो सकती थी, कुछ नहीं हुआ, ये सुकून की बात है हमारे लिए, आपके लिए, भागलपुर के आवाम के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। कोई हताहत नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, रोड डिस्टर्ब है और वैकल्पिक व्यवस्था से कई एक रास्ता है, लड़के वहाँ लगा दिए हैं, जवान लगे हुए हैं दोनों तरफ, बैरिकेड करा दिए हैं, कोई नज़दीक नहीं जाए। लड़के बगल से दूसरे रास्ते से आ रहे हैं अपने स्टेशन आने वाले और स्टेशन से जाने वाले। धन्यवाद। वही दुर्घटना होने के बाद रास्ते को दोनों ओर से ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद ट्रेन की बोगी को किरान के द्वारा हटाया गया, जिसके बाद परिचालन पुनः शुरू हो सका। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी भागलपुर। आप सभी देशवासियों और भागलपुर वासियों को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप लोग नए वर्ष में सुखी रहें, सानंद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद जी। प्रणाम, मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से
भागलपुर एवं देशवासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये नव वर्ष 2024 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। प्रणाम। नमस्कार, आइडियल टाइल्स की तरफ से भागलपुर शहर वासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी स पैक्स अध्यक्ष बलवाचक की ओर से पंचायतवासी एवं प्रखंडवासी एवं जिलावासी को आने वाले 2024 नव वर्ष की एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। तमाम माता बहनों के बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे नए वर्ष में रोग से व्याधि से दूर रहे। साथ ही हमारी सोसाइटी दुर्घटना पर काम करती है, अतः आपसे एक निवेदन है कि नए साल में ले नया प्रतिज्ञा, घायल को देख फोटो वीडियो बना मत आगे बढ़ जाना, उसे अस्पताल जरूर लेकर जाना, उसकी जान बचाना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता की ओर से सभी भागलपुर वासी, राज्यवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2024 एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका नव वर्ष खुशियों से भरा एवं मंगलमय हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत मियाँ जी के मैदान में 4 से 5 अपराध कर्मियों के द्वारा मोहम्मद लड्डू कुरैसी एवं उनके 12 वर्षीय भांजे को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। घटना के तुरंत बाद दोनों जख्मी व्यक्तियों को मुजाहिदपुर पुलिस द्वारा इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भेजा गया। इलाजोपरांत दोनों जख्मी घर पर सुरक्षित है। घटना मुख्यतः कन्ना किताब के वर्चस्व और आपसी रंजिश के कारण होने के बाद प्रकाश में आई है। मोहम्मद लड्डू कुरैसी भागलपुर जिले का कुख्यात टॉप 10 की सूची में शामिल अपराध कर्मी रहमत कुरैसी का भाई है। वर्तमान में रहमत कुरैसी बम विस्फोट के कांड में जेल में है। इस संदर्भ में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम का गठन किया गया है। इस कांड में 3 अभियुक्तों फैजल फुरकान महताब को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शाहिदपुर थाना अंतर्गत मियाँ जी के मैदान में फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें लड्डू कुरैशी और उनका एक 12 वर्षीय भांजे को गोली लगी थी, तो इसमें तुरंत कांड दर्ज किया गया और कांड फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। उसमें 7 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उन 7 में से 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 1 जिसका इन्वॉल्वमेंट था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इनका नाम है फैजल, मोहम्मद महताब और मोहम्मद फुरकान। तो सबसे पहले मोहम्मद महताब की गिरफ्तारी की गई और ये घर के पास से ही, मुजाहिदपुर में ही इसका घर है, वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुई। फिर इसी से पूछताछ करने पे फैजल उर्फ चिंगारी और मोहम्मद फुरकान के बारे में पता लगा और उसकी निशानदेही पे इनकी गिरफ्तारी की गई। तो फैजल के पास से भी एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ और मोहम्मद फुरकान के पास से एक कारतूस बरामद हुई और इन तीनों के मोबाइल सीज कर लिए गए। और जो बचे हुए अभियुक्त हैं, 5 अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना के छापेमारी चल रही है और उनकी जल्द अरेस्टिंग कर ली जाएगी। तो इस पूरी जो कार्यवाही में
डीएसपी सिटी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे और 24 घंटे के अंदर ये तीन लोग की अरेस्टिंग की गई है और जो 5 अभियुक्त बचे हुए उनकी भी जल्द से जल्द अरेस्टिंग कर ली जाएगी। किस कारण से फायरिंग हुई थी सर? जो मेन अभी मुद्दा निकल के आ रहा है उसमें ये जो इनका आपसी मतभेद रहता है और कन्ना किताब करके एक व्यापार है उसको लेकर इनके बीच में वर्चुअल्स की लड़ाई रहती है, उसी के चलते कई मतलब एक महीने पूर्व भी इनके बीच में विवाद हुआ था और अभी उसी का बदला लेते हुए इन लोगों ने फायरिंग की है। गिरफ्तार क्रिमिनल हिस्ट्री? हाँ, इन लोग का क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। एक का क्रिमिनल हिस्ट्री 392 में पहले भी जेल जा चुका है लूट के कारण में। कितने घंटों में मामले का उद्भेदन हुआ सर? ये जो फर्द बयान के आधार पे और अगल बगल से जो पूछताछ किया गया सीसीटीवी के आधार पे जिन लोगों की भी पुष्टि हुई है उसके आधार पर अरेस्टिंग की गई है और इसमें से 24 घंटे के अंदर तीन लोग की अरेस्टिंग कर दी गई है। इस वक्त भी हमारी कुछ टीम बाहर गई हुई है लोकेशन के आधार पे और जल्द से जल्द उनको भी अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। रोहतास के डेहरी की राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर जदयू विधायक गोपाल मंडल का बयान सामने आया है। भागलपुर की पत्रकारों को कहा कि सरस्वती माता कोई आज की माता नहीं है, सबकी माता है। अगर किसी ने बयान दिया है तो उनको समझदारी की कमी है, खोपड़ी ढीला हो गया है। पत्रकारों ने जब विधायक गोपाल मंडल से पूछा कि महागठबंधन में राजद भी आपके साथ है, उन्होंने देवी सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा कि राजद के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पनिशमेंट उसे मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम एक बार खुद सस्पेंड हुए थे, यह सब चलता है। जदयू के विधायक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो माफी क्या मांगेगा, जो दल है जिस जाति के लोग हैं वो माफी क्या मांगते हैं। उन्होंने इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव से बात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड के नेता लालू प्रसाद यादव है, उसी के पुत्र तेजस्वी यादव है, वो हमें बड़ा भाई मानते हैं, उनसे इस मामले को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें रोहतास के डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने देवी सरस्वती को लेकर अपनी बात सामने रखी थी। विधायक ने सरस्वती माता की पूजा को लेकर की जताई है, साथ उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती की जगह स्कूल में माँ सावित्री बाई फूले की तस्वीर लगनी चाहिए, उन्हीं की पूजा भी होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने केंद्र सरकार से सावित्री बाई फूले के लिए भारत रत्न की मांग की है। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि सावित्री बाई देश की पहली महिला शिक्षिका थी और उनकी ओर से किए गए कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। विधायक के बयान के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, इसी बयान में जदयू विधायक ने भी कार्रवाई करने की मांग की है। सरस्वती माता कोनो आज की माता नहीं है, सबकी माता, चरित्रहीन क्या होगा। ये सब गलत बात अगर कोई बयान दिया है, समझदारी की कमी है, उसका खोपड़ी ढीला हो गया। गठबंधन में आपके साथ राजद? हाँ, तो है, तो पनिशमेंट उसको मिलेगा, ऐसा बयान देगा उसको थोड़ा छोड़ा जाएगा, उस पर जांच होगी, ये होगी, पनिशमेंट मिलेगा। आपको जानकारी होना चाहिए, एक बार हम खुद सस्पेंड हुए थे, ये सब चलता है, होगा। माफी मांगनी चाहिए क्या उनको, लोगों से? देखिए, हाँ, माफी क्या मांगेगा वो, जो दल है जो जात है वो माफी मांगता है, माफी नहीं मांगेगा। फटकार क्या लगाना चाहिए राजद के शीर्ष नेतृत्व से, कैसा बयान? बात हम तेजस्वी से करेंगे। तेजस्वी हमारा छोटा भाई समान है, हम लोगों के अग्रज हैं लालू यादव जी, बेकवड़ों का मसीहा, उनके लड़के हैं ना, उनसे बात हम करेंगे, बड़े भैया हमको मानते हैं। भागलपुर के गोराडीही थाना को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो पर सवार 5 से 7 अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था एवं पुलिस निरीक्षक सदर अंचल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा भागलपुर गोराडीही रोड पर निगरानी रखी गई। पिथना कुगड़ी रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी संदिग्ध अवस्था में कुगड़ी से पिथना की ओर आ रही थी। इसको रोकने का प्रयास करने पर स्कॉर्पियो पर सवार एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और उसमें सवार अपराधी भागने लगे। इस पर पुलिस बल द्वारा खदेड़ कर 2 अपराधियों को पकड़ा गया। इन दोनों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा, 1 मिस फायर गोली और 3 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार काजू यादव के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के 2 दर्जन से अधिक कांड दर्ज है। इसके विरुद्ध 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। गोराडीही थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो से 5-7 अपराधकर्मी कुछ अपराध करने के लिए उधर से गुजर रहे हैं, तो उसका नंबर पता लगाया गया, उसका नंबर ट्रेस किया गया गाड़ी का नंबर स्कॉर्पियो को, फिर उस संदिग्ध स्कॉर्पियो को कुकीडी से पिथना की ओर से आ रही थी तो उसको वहां पर रोका गया।
तो वहाँ पे एक आदमी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, वो मिस फायर हो गया राउंड और फिर वो वहाँ से भागने लगे। सभी के पास हथियार थे, पुलिस ने उनको खदेड़ने का प्रयास किया, उसमें से दो अपराधियों को पकड़ा गया है। उनके पास से दो देसी कारतूस, दो देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और एक मिसफायर गोली और तीन मोबाइल बरामद किया गया। तो ये जो पकड़ा गया है काजू यादव, इसके ऊपर टोटल 32 कांड हैं और जो अभी तक हम लोग को पता चले हैं 26 कांड रजौन थाना में रजिस्टर्ड हैं और जो 6 कांड हैं वो आपके जगदीशपुर ओपी में रजिस्टर्ड हैं। तो बाकी हम लोग पता कर रहे हैं कि और किन किन कांडों में ये अभियुक्त वांटेड है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है और ये कम से कम जो अभी हम लोग को पता चला मिनिमम 32 केस हैं इसके ऊपर, और भी ज़्यादा होंगे और हम आपराधिक इतिहास इसका खंगाल रहे हैं। और ये बांका का टॉप 10 जो अपराधी है उसमें लिस्टेड है और 25,000 का इनाम है इसके ऊपर। कहाँ का रहने वाला है? ये रजौन का ही रहने वाला है और खूंखार अपराधी है। इसने पुलिस उपाधीक्षक अर्जुन गुप्ता पर गोली भी चलाई थी, ये उस समय प्रोबेशनर थे, प्रोबेशनर DSP थे अर्जुन गुप्ता, उस पर गोली भी चलाई थी और ये मोस्ट वांटेड अपराधी में शुमार है और टॉप 10 बांका में था और 25,000 इसके ऊपर इनाम था। और इसके साथ राजेश कुमार यादव वो भी पकड़ा गया है, उसके बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास पता लगा रहे हैं। DSP पर किस साल में गोली चलाई थी? उसका एग्जैक्ट डेट तो अभी यहाँ नहीं है, हम लोग पता करके आपको अपडेट कर देंगे बांका में। जी तो सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका पूरा जो प्रकरण है वो हम आपको अपडेट कर देंगे। और ये जो पूरी टीम थी उसका नेतृत्व DSP सिटी कर रहे थे और इसमें इंस्पेक्टर सौम्य प्रियदर्शी सदर अंचल, संजय कुमार सत्यार्थी गोराडी थाना अध्यक्ष, विनोद कुमार पुवानी और सहनी पवन कुमार गोराडी थाना से, बलराम पासवान और बाकी सशस्त्र बल था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया। ये भागलपुर पुलिस की बहुत अच्छी सफलता भी है और ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था और